अस्सलामुअलैकुम, मशीक न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा कमर जी। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नवाबजादा मीर हारून रईसानी, आप साबका नायब सदर पाकिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन, साबका सदर बलूचिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन, साबका सदर कोयटा हॉकी एसोसिएशन के रहनुमा रह चुके हैं। इसके साथ साथ आप समाजी रहनुमा भी हैं। आज के हमारे साथ खेलों के हवाले से बातचीत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत खेलों की फ़रोग के लिए क्या काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं मशरिक न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और खेलों के ऊपर बात करने का मौका दिया। मौजूदा हुकूमत खेलों के लिए काम तो कर रही है, लेकिन उसके पास एक ऐसी टीम नहीं है कि वो इस जो खेल है उसको आगे बढ़ा सके। और बहुत ही यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सी खामियाँ हैं, फंड सही जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ग्राउंडों की हालत भी अबतर है। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो खेलों को फ़रोग दे, लेकिन जो उनकी टीम है उसमें ये कुवत नहीं कि वो खेलों को आगे ले आ सके। सर, आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड लाखों करोड़ में फंड दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नए टैलेंट सामने नहीं आ रहे हैं, कि क्या वजह है? देखिए, मैंने पहले भी बात की थी कि फ़ंड वाकई, जब आप फाइनेंस जाएँ और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर से बात करें, सेक्रेटरी से बात करें, तो हमेशा वो कहते हैं कि हमने एसोसिएशन को इतने इतने फ़ंड दिए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ंड देने के बावजूद खेल आगे क्यों नहीं जा रहा, क्यों टैलेंट हमारा सामने है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि फ़ंड उन एसोसिएशन को मिल रहा है, उन लोगों को मिल रहा है जिनके साथ स्पोर्ट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो इस फंड को नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई बंदा उसमें काम करना चाहता भी है तो उसको भी वो जो है काम करने नहीं दे रहे हैं। और हमारे ये जो फंड है, ये पैसा है हमारे टैक्सों से, हमारे सूबे के टैक्स से, हमारे पाकिस्तान के टैक्स से ये पैसा हमें मिलता है। तो मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए, सेक्रेटरी को, मिनिस्टर को, कि वो इन फंड जो फंड है, जो पैसा आ रहा है हमारे लिए, उसको उसकी तकसीम सही तरीके से हो, वो जेन्युइन जो हमारे एसोसिएशन हैं, जेन्युइन हमारे स्पोर्ट्स के जो लोग काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, तो ये फंड उनको दिया जाए ताकि सूबे में जो टैलेंट है, जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो आगे आ सकें। सर, आप क्या समझते हैं कि दीगर शोबों की तरह पाकिस्तान में सियासत ने स्पोर्ट्स में भी डेरा डाल लिया है? देखिए, मैं स्पोर्ट्स सेशन में रहा हूँ, दो तीन स्पोर्ट्स सेशन में मैं रहा हूँ, तो वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एक सियासी उस फैमिली से है, लेकिन जो मैंने सियासत देखी है स्पोर्ट्स में, तो ये कुछ अलग किस्म की सियासत है, और ये बाद औकात आपको समझ में नहीं आती है कि किस तरह की सियासत हो रही है। एक तो सियासत यहाँ पे ज़्यादातर सियासत मफाद के लिए करते हैं लोग, अपने लिए करते हैं, उनमें ये नहीं होता कि वो किसी टैलेंट को सामने लेकर आए। जो दूसरी सियासत है उसमें बाद औकात आप आवाम के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्पोर्ट्स की सियासत में आज तक मुझे समझ में आज तक नहीं आया कि ये क्या चाहते हैं, ये अपने आप को, अपने बच्चों को क्यों सियासत की नज़र कर रहे हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं पसंद नापसंद की वजह से मेरिट पर काम क्यों नहीं हो रहा? देखें, मेरिट जो मैंने पहले बात की थी कि मेरिट उस टाइम होता है कि जब आप उस चीज़ को सही तरीके से लें। मेरिट तो हमारे सूबे में, हमारे पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ नाम का मेरिट रहा है, और कभी भी मेरिट को पे हमने तवज्जो नहीं दी। अगर हम मेरिट पे तवज्जो नहीं देंगे, ख़ासकर खेल के मैदान में, तो ये वक्त बहुत दूर नहीं कि हम ओलंपिक में या किसी भी बाहर के किसी भी इवेंट में हमारा कोई जो है टीम, कोई खिलाड़ी नहीं जा सकेगा। आप देखेंगे 94-95 में जब मेरिट था और उस टाइम एक सही चल रहा था, तो आपके पास वर्ल्ड के 4 मेडल, गोल्ड मेडल थे और 4 ओलंपिक वो थे, जिसमें हॉकी, स्क्वाश और क्रिकेट। ये 94 से लेके 98 तक ये ऐसी स्नूकर, ये ऐसा दौर था जिसमें हमने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के दौर में एक आला दौर था, एक अच्छा दौर था। तो आज वो हम अभी ओलंपिक्स जो हुए हैं उसमें आप देखेंगे कि हमने कोई भी तमगा हासिल नहीं किया। सर, आप क्या समझते हैं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में किन लोगों को शामिल होना चाहिए?
स्पोर्ट्स पॉलिसी में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो तजिया निगार हैं और हमारे जो फाइनेंस के लोग हैं, हमारे मईशत माशी जो लोग हैं जिनको मईशत पे जो है अबूर हासिल है, उनको होना चाहिए और ख़ासकर मीडिया के लोगों को होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम जो हमारे सियासतदान हैं कि जो सबका एक क्रिकेटर भी रहे हैं वो स्पोर्ट्स में रहे हैं, उनको शामिल करना चाहिए क्योंकि उनको ये पता होता है कि खेल में किसी दर्द क्या है, किसी खेल में हमने कैसे इस खेल को आगे लेकर आना चाहिए। हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं तो उनको आगे आना चाहिए, लेकिन वो हम खिलाड़ियों को हम आगे नहीं ला सकते। उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है कि हम किस तरह जो एक खेल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ बैरिकेड्स हैं जो कि उसमें शामिल हैं, तो और उन्होंने एक स्पोर्ट्स के जो सबका सेक्रेटरीज हैं, सबका लोग हैं, तो उनको भी इनके शामिल करना चाहिए क्योंकि वॉलंटियरली अगर वो काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये दिन नहीं होगा कि हम पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स में आगे होंगे। सर आप ये बताइए कि आने वाले 10 सालों में आप स्पोर्ट्स का मकाम बलूचिस्तान में बिलखसूस कहाँ देखते हैं? देखिए आगे आने वाले 10 सालों में तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये हालात रहे तो शायद ही हम आगे जा सकें, लेकिन अगर हम इसको इम्प्रूव कर सके और हम इस पर काम कर लिया, जो बंदा काम करना चाहता है हम उसको काम करने दिया, तो वो दौर नहीं कि हम दोबारा अपने पैरों पे खड़े होंगे। और हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, हमारे पास अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे पास अच्छे जो है स्पोर्ट्स में काम करने वाले बंदे हैं, हमारे पास मीडिया पर्सन जैसे हैं कि जो स्पोर्ट्स में काम करना चाहते हैं उनको एक नाइस करना चाहते हैं, उनके पास एक समझ है, एक बूझ है। तो अगर इसी तरह के पॉलिसीज रही तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है कि हम दोबारा अपने पैरों पर स्पोर्ट्स के मामले में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे दीगर शोबों में खवातीन भी मतलब शाना बशाना काम कर रही हैं, आपके मुताबिक क्या खवातीन को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए? हाँ जी हाँ, खवातीन को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना भी चाहिए और उनको आगे भी आना चाहिए, लेकिन उसमें जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा एक कल्चर है उसके मुताबिक। लेकिन खवातीन को मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि खवातीन के पास ऐसे ग्राउंड नहीं हैं, उनके पास ऐसे जो है ऐसी जगहें नहीं हैं जहाँ पे वो पर्दे में रहते हुए अपने स्पोर्ट्स को आगे लेकर आएँ, और उनके पास खवातीन कोचेज नहीं हैं, उनके पास खवातीन ऑफिशल्स नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ों को मिला के एक जगह प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे तो मैं कहूँगा कि हमारी खवातीन भी किसी से कम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पहले के दौर में और आज के दौर में अगर मुवाजना करें तो खवातीन की दिलचस्पी खेलों के हवाले से किस हद तक बढ़ गई? जी माशाल्लाह, पहले के अगर दौर में देखेंगे तो इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अभी माशाल्लाह हमारी ख़वातीन को मैं जिस भी फंक्शन में जाता हूँ, किक बॉक्सिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बाकी चीज़ें हैं, फिर यहाँ तक कि फुटबॉल है और बहुत से खेल हैं जहाँ पे ख़वातीन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और बहुत अच्छा आगे आ रही है। लेकिन फिर वही बात है कि उनके पास सहूलियात नहीं है, अगर हम उनको सहूलियात अपने तरफ से देंगे तो इंशाल्लाह हमारी ख़वातीन और अच्छा परफॉर्म कर सकेंगी। आने वाली नई नस्ल को आप स्पोर्ट्स के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा अपने वाली नस्ल को कि एक अंसर जो हम में है वो है एहसास कमतरी का। तो हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं है, क्योंकि हमारे जो आबोहवा है ये खुश्क है और ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा एक जो है स्पोर्ट्स, जो बंदा खेले तो उसका स्टेमिना इससे ज़्यादा बढ़ता है और ऐसी दूसरे जगहों पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दूसरी बात ये कि हम वो नस्ल हैं, हम उस इलाके के वासी हैं कि जो दुनिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन था। आपको मैं ये आपके चैनल तवज्जो ये कहूँगा कि मेरगढ़ में जो कि 1200 BC पहले का सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई की है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत से चीज़ें निकल आई हैं, जो उस दौर में जो स्पोर्ट्स की चीज़ें थी वो खेलते रहे हैं। तो हम उस इलाके के उस आबोहवा के बंदे हैं कि हम 1200 कबले मसीह से हम स्पोर्ट्स को आगे लेकर आए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसा वक्त होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले
परस्तान के बच्चे बच्चियाँ आगे होंगी और जहाँ पे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होगा इंटरनेशनली नेशनली, तो हमारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे और मेरी दुआएं हैं उनके साथ, मेरा सपोर्ट है उनके साथ और जब भी मुझे मौका मिला इंशाल्लाह मैं अपने सूबे अपने मुल्क के बच्चों के लिए जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं करूँगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे नवाबजादा मीर हारून रईसानी, आप साबिक नायब सदर पाकिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन, साबिक सदर बलूचिस्तान बैडमिंटन एसोसिएशन और सबका सदर कोयटा हॉकी एसोसिएशन भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ आप समाजी रहनुमा भी रह चुके हैं।